हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल डिजिटल क्लास में। फ्रेंड्स, समाज कल्याण विभाग बिहार की तरफ से बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिसमें कि आपको लगभग 2413 पोस्ट है। जी हाँ फ्रेंड्स, लगभग 2500 पोस्ट है और जो पदनाम है वो है फ्रेंड्स पर्यवेक्षक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है इसमें आपको सेविका और सहिया जो है उनको 50% का फ्रेंड्स इसमें आरक्षण मिलेगा। और फ्रेंड्स, ये जो है जॉब प्योर महिलाओं के लिए है। इसमें क्या है अपडेट जो कि बिहार से आया है, आपको दोस्तों सब इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके, ताकि सभी लोग इसको भर सकें। दोस्तों, बहुत ही बड़ी वैकेंसी है जो कि बहुत दिनों के बाद आई है, पर्यवेक्षक की वैकेंसी। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए दिखाते हैं आप बिना देरी किए हुए कि क्या है वैकेंसी। और फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जरूर दबाइए, दोस्तों को शेयर तो कीजिएगा ही। और फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि इस तरह के कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए बेल आइकन को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब दिखाते हैं नोटिफिकेशन क्या है। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखा रहा है, ये जो है आपको प्रभात खबर में आर्टिकल छपा था, तो मैंने वो अब कटिंग करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये दिखा रहा है 2413 महिला पर्यवेक्षिकाओं की इसी साल होगी नियुक्ति, यानी जो पोस्ट का नाम है वो है महिला पर्यवेक्षिका, उसमें जो है 2413 पोस्ट पर बहाली होने वाली है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है पटना से निकला है और यहाँ पर बाल विकास परियोजनाओं में महिला पर्यवेक्षिका के 2413 खाली पदों को इसी साल भर दिया जाएगा और 50% पद जो है जिला स्तरीय चयन समिति के माध्यम से, यानी आपका एग्जाम पर होगा जो कि संविदा पर होगा, और 50% जो सीट है वो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को प्रमोशन देकर भरा जाएगा। इसके लिए समाज कल्याण विभाग के स्तर से तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। विभागीय अपर मुख्य सचिव अतुल प्रसाद ने कहा कि पूर्व से तैनात परमानेंट महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रमोशन देकर CDPO बनाया जाएगा और इसी साल नियुक्ति से लेकर प्रमोशन तक का काम कर लिया जाएगा। संविदा पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रोन्नति देने के लिए विभाग के स्तर पर तैयारी भी चल रही है, लेकिन इसमें अभी थोड़ा वक्त लगेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये 2019 में तो खैर निकलेगा ही, लेकिन मुझे लग रहा है ये मार्च से अप्रैल तक में ये वैकेंसी आ जाएगी। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि ये बहुत दिन के बाद 2413 पदों पर वैकेंसी आई है जिसमें कि महिलाओं को पूरा इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिए जो भी महिलाएं इस हमारी वीडियो को देख रही हैं, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, लाइक बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मैं आपको इस तरह का अपडेट देते रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।